जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर है। यहां पर दक्षिण इलाके में बादल फटने से 28 लोग लापता हैं और अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। बादल फटने से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से राहत के काम में दिक्कत आ रही है। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कितने लोगों के शव निकाले गए, कितने लोग लापता? देखिए रवि, जो हमारे पास अभी खबर आई है वो ये है कि 4 लोगों के शव जो है वो पुलिस ने रिकवर किए हैं और तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 28 लोग जो है वो अभी भी लापता। हालांकि राहत कार्य जो है वो अभी भी चलाया गया है। आज सुबह तकरीबन 4 बजे ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में बादल फटने की जो बात है वो निकलकर सामने आई थी, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ का फार फ्लंग एरिया है जहां पे रोड कनेक्टिविटी तक नहीं है। खबर ये भी है कि तकरीबन 8 से 9 घर जो है वो डैमेज हुए हैं, जिसके चलते अब राहत बचाव कार्य जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। हालांकि दिक्कत सबसे ज्यादा ये सामने निकल के आ रही है कि बारिश जो है वो लगातार पड़ रही है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में थोड़ा सा बाधा भी हो रही है। अंकित, ये भी बताइए, इतनी बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में कैसे आए, कैसे ये घटना हुई, क्या समय था और उसके बाद प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई, तुरंत जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो क्या लिया गया? कि जो हमारे पास खबर है वो ये है कि सुबह 4 बजे जो है वो बादल फटने की खबर थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही बीती रात को जम्मू के कई इलाकों में हाई अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से किया गया था और हमने देखा कि किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से भी जो लोगों को एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई थी कि लो लाइन एरिया से थोड़ा दूर रहे, यानी कि पानी के पास से थोड़ा सा दूर रहे। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।